No, 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 no. लबेबिया वालों, पाकिस्तान ने ठोका, चौबा चौबा, पाकिस्तान ने रगड़ा, चौबा चौबा, बले। No, 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 no. दोस्तों, कैमरा को तीसरी आंख कहा जाता है और ये तीसरी आंख दुनिया में हर जगह हर वक्त कुछ न कुछ रिकॉर्ड करती ही रहती है। इसी तरह से क्रिकेट में भी कुछ ऐसे फनी मोमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं जिन्हें देखकर हमारे मुरझाए हुए चेहरे पर हंसी आ जाती है। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको क्रिकेट में होने वाले कुछ ऐसे फनी मोमेंट दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जरूर हंसेंगे। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, अगर हसन अली को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का मिस्टर बीन कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये अक्सर उल्टी सीधी हरकतें करते ही रहते हैं। ये विकेट चटकाने के बाद अपनी रवायती सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन एक दफा विकेट सेलिब्रेट करते वक्त इनकी गर्दन में मोच आ गई और इनकी इज्जत का पोपट हो गया। इनका दर्द इतना ज्यादा था कि इन्हें मैच से बाहर होना पड़ा। Bolt. Hassan Ali strikes again. Boom, he says, and well, he's demolished. दोस्तों, ये हैं सईद अजमल, जिन्हें कौन नहीं जानता। वैसे तो ये बॉलिंग के लेजेंड थे और अपने टाइम में दुनिया का नंबर वन बॉलर होने का एजाज भी इन्हीं के नाम है, लेकिन जब बात आती है इंग्लिश की तो इनकी मुर्गी भी अंडा दे देती है। What is the sense? Science is the man. Yeah. We can so we do we each gather it together we work with the help but I know recognize the other is good or not. We can so we do we each gather it together we work with the 200 पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन मोहम्मद यूसुफ, जो अपनी जबरदस्त बैटिंग के लिए जाने जाते थे, इनके साथ भी एक मैच खेलते हुए एक बहुत ही फनी सीन हुआ जब बाल इनके एक ऐसी जगह पर लगी जिनकी आवाज तो बहुत जोर की आई लेकिन किसी को सुनाई नहीं दी। गेंद लगने की वजह से दर्द तो इनको बहुत हुआ लेकिन ये किसी को दिखा तक नहीं सकते थे। दोस्तों, क्रिकेट में किसी भी चीज का इशारा करने के लिए अंपायर होता है जो हर एक चीज का फैसला करता है, लेकिन जरा सोचिए कि अगर ग्राउंड पर खड़ा खिलाड़ी अंपायर की नकल करने लगे तो ये सीन दिखने में कैसा लगेगा। ऐसा ही एक फनी मोमेंट यहाँ पर भी हुआ, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाले एक मैच में बांग्लादेश के ऑलराउंडर नासिर हुसैन खिलाड़ी के आउट होने पर अंपायर की नकल उतारने लगते हैं। ये इतना फनी सीन था कि अंपायर भी हंसने लगा। No, 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 no. दोस्तों, आपने क्रिकेट हिस्ट्री में बहुत से रन आउट मिस होते हुए देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ रन आउट ऐसे फनी तरीके से मिस होते हैं कि देखने वालों की हंसी निकल जाए। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के इस मैच में एक बहुत ही मजाकिया रन आउट होते होते बचा, क्योंकि यहां बॉल स्टंप्स की जगह ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी शेन वॉटसन की टांग पर लगी। जैसे ही बॉल रन आउट करने के लिए थ्रो की गई तो ये बॉल विक्टू को मिस करते हुए आगे चली जाती है, जिसे एक दूसरे फील्डर ने पकड़ लिया और विक्टू की तरफ थ्रो कर दिया, लेकिन ये बॉल विक्टू के बजाय एक खिलाड़ी के टांग पर लगती है और बैट्समैन बार बार बच जाता है। दोस्तों, जब मैदान पर किसी खिलाड़ी से कैच मिस होता है तो उसे चाहिए तो ये कि वो अपनी गलती पर फ्रस्ट्रेशन निकालने के बजाय गेंद को जल्दी से विकेट की तरफ थ्रो कर दे। वैसे मैच में होता तो यही है, लेकिन कभी कभी कुछ फील्डर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल ही देते हैं जिससे उनको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के एक मैच में जब एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने कैच मिस किया तब उसने बड़े गुस्से से बॉल को बड़े जोर से लात मारी जिससे बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर हो गई, जहां इस बॉल पर सिर्फ एक रन मिलना था, इस खिलाड़ी की बेवकूफी की वजह से चार रन मिले। यही वजह थी कि क्रिकेट का ये सीन काफी फनी हो गया। दोस्तों, आपने क्रिकेट में बहुत से फनी मोमेंट्स देखे होंगे, लेकिन शायद ही आपको पता हो कि कभी कभी बॉल भी इंसान के साथ मजाक करती है। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस मैच में जैसे ही श्रीलंका के बॉलर ने न्यूजीलैंड के बैट्समैन को बॉल डाली तो बॉल सीधी जाकर उनके हेलमेट में फंस गई।
इस सीन को देखकर सभी हंसने लगे, यहाँ तक कि अंपायर भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाया। हालांकि यहाँ पर अच्छी बात यह थी कि गेंद की वजह से खिलाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों अब जरा इस अगली वीडियो क्लिप को देखें, जब शॉट लगाते वक्त बल्लेबाज के हाथ से बल्ला छूट जाता है। वैसे तो गेंदबाज का ऐसे करना बहुत ही गलत था, लेकिन जो भी हो ये सीन काफी फनी था। दोस्तों वैसे तो संगाकारा ग्राउंड पर काफी जेंटल नजर आते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी शरारत कर ही देते हैं। यहाँ जब पाकिस्तानी क्रिकेट के बल्लेबाज शहजाद रन्स बनाने के लिए दौड़े तो कुमार संगाकारा ने बड़ा ही अजीबोगरीब सीन किया। उन्होंने शहजाद को चकमा देने के लिए बिना गेंद के ही स्टंप्स की तरफ ऐसे मारा कि जैसे उनके हाथ में गेंद हो। यही वजह थी कि इस एक्शन को देखते हुए अहमद शहजाद ने डाइव लगा दी। वैसे इस तरह की चालाकियां ग्राउंड में देखने को कम ही मिलती हैं। दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूं क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे फनी मोमेंट। ये 1992 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का मैच था, जिसमें जावेद मियांदाद ने सबको हंसने पर मजबूर कर दिया। जावेद मियांदाद के बारे में फेमस था कि ये सबसे उंगली करते रहते हैं। That's a warning, I think. That's Chris Gayle's way of warning the batsman with a smile on his face. What is Chris Gayle doing? वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।